सबसे पहले सुनिएगा, एक लफ्ज कहा जाता है होप, जिसको उर्दू में कहते हैं उम्मीद है। ये लेवल ऑफ सर्टेनिटी है। अगर हमारा जो लेवल ऑफ सर्टेनिटी लो होता है, लो लेवल ऑफ सर्टेनिटी, यानी हमें यकीन नहीं हो रहा होता, बल्कि लो लेवल ऑफ सर्टेनिटी होती है कि हो सकता है हो जाए कि ना हो, उसको हम कहते हैं होप, आई होप यू विल बी फाइन, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है कि मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। मगर जो लफ्ज उम्मीद है, होप है, इसमें जो सर्टेनिटी है उसका लेवल काफी लो है। इसको मैं कह सकता हूँ लेस देन 50% सर्टेनिटी होती है, इसे कहते हैं होप। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है एक्सपेक्टेशन, और हम इसको नॉर्मल यूज भी करते हैं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा। आपने ट्रेन की टिकट बुक करवा ली, आपने एरोप्लेन की टिकट बुक करवा ली, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेन टाइम पर पहुंचेगी, एरोप्लेन टाइम पर टेक ऑफ करेगा, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, ये होप से नेक्स्ट लेवल है। इसमें सर्टेनिटी होती है मगर होप से ज्यादा होती है, और इसको अगर मैं कहूं तो ये 50-70% लेवल ऑफ सर्टेनिटी होती है, जिसको हम एक्सपेक्टेशन कहते हैं। इसके बाद एक और लेवल आता है जिसमें सर्टेनिटी का लेवल हाई हो जाता है, उसे कहा जाता है बिलीफ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं अकीदा। बिलीफ क्या होता है कि आप कहते हो कि यार मेरा पक्का यकीन हो गया है कि ऐसा होगा। मगर ये जो बिलीफ होता है, बिलीफ ये हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से बनता है। मिसाल के तौर पर हमारा मानना है कि आग जो है वो जलाती है, अगर आप फायर को टच करोगे आप जल जाओगे। हाउ डू वी नो, हमें किसने बताया? हमें सबका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि आग जला देती है, तो इसे कहते हैं बिलीफ। ये जो बिलीफ होता है, इसको मैं कहता हूं कि 72-80% तक लेवल ऑफ सर्टेनिटी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है, इस नेक्स्ट लेवल को कहा जाता है कन्विक्शन। ये जो कन्विक्शन है, इसी को कहा जाता है ट्रस्ट। कन्विक्शन और ट्रस्ट का जो लेवल है, ये 90-100% है। ये जो ट्रस्ट है, इसमें होता यह है कि हमारे लाइफ के इतने एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं कि हम अंदर से आवाज आती है कि इट विल हैपन, ये होकर रहेगा, क्योंकि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात बात कर रहे होते हैं। हमारा डाटा सेव होता है, उस डाटा से कंपेयर करके हम बताते हैं कि इट विल हैपन। ये कहलाता है ट्रस्ट और कन्विक्शन। और याद रखिए, तवक्कुल का जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जहां से तवक्कुल शुरू हो रहा है, आकर इस्लाम पर हमारे हक का तवक्कुल ही, तवक्कुल जैसा करना चाहिए वैसा करो, तो इसकी बिगिनिंग क्या है? तवक्कुल की जो बिगिनिंग है ना, वो कन्विक्शन और ट्रस्ट है। कि जब आपको इतना यकीन हो कि आपको पता होता है कि ये काम ऐसे होकर रहेगा, इस तरह का जब आपके अंदर से आवाज आती है, तो हम उसे कहते हैं ये ट्रस्ट का लेवल है, ये कन्विक्शन का लेवल है। कन्विक्शन और ट्रस्ट को मैं एक और आसान लफ्ज में बयान कर दूं कि जो कन्विक्शन और ट्रस्ट होता है ना, आदमी उसके लिए फाइट करता है। मिसाल के तौर पर अभी आपके पास मोबाइल है, ये कोई मोबाइल आपसे छीन ले, अभी अभी आपके पास से ले ले और कहे ये तो आपका है ही नहीं, ये तो मेरा है, तो आप क्या करोगे? यू विल फाइट। आप कहोगे भाई ये मेरा है। क्यों कह रहे हो कि आपका है? क्योंकि आपको पक्का यकीन है कि भाई ये मेरा है और इसके लिए मैं फाइट करूंगा, तुम उसे कैसे ले जा सकते हो? ये मेरा है। इस तरह हमें अपने मोबाइल के बारे में यकीन होता है कि ये मेरा है, इसे ट्रस्ट कहते हैं, इसे कन्विक्शन कहते हैं, और इसके लिए आदमी फाइट करता है। मगर मैं एक और लफ्ज बताता हूं, ट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है, उसे कहा जाता है फेथ। हमारे यहां कहा जाता है ना लफ्ज फेथ, ईमान है। ये जो फेथ है ना, ये मैं कहूंगा 200% सर्टेनिटी है। और इसके अंदर होता यह कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिसको मैं कहता हूं सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें हमारे अगेंस्ट जा रहा होता है, मगर हमारे अंदर से कुछ एक लेवल ऑफ सर्टेनिटी आता है और हम कहते हैं नहीं, जो मैं देख रहा हूं थ्रू माय आईज, जो मैं सुन रहा हूं थ्रू माय इयर्स, या मैं जो महसूस कर रहा हूं, मेरी फिजिकल सेंसेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपनी जगह है। ये इंफॉर्मेशन मुझे कह रही है कि यू आर फिनिश्ड, यू आर डन, मगर अंदर से आवाज आती है कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ मामला।